सबसे पहले प्रांजलि जी, आप क्या कहना चाहोगे? एल्बम आपका लाइक पहली बार आया है, तो क्या कहना चाहोगे? कितने एक्साइटेड हैं इस एल्बम के लिए? मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप सबको अच्छा लगे. एज आई कंपोज एंड आई एम द यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये अच्छे से एल्बम रिलीज़ हो जाए और मुझे खूब और तरक्की मिले और मैं और मेहनत करूँ. जैसे कि आपने बताया कि आपने रिकॉर्ड भी बनाया है, तो किस तरह की तैयारी आपने की इस एल्बम के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने वीडियो शूट किया है एक सॉन्ग का और रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली की है. आई एम द सिंगर. You're the singer, definitely you're the singer. जी, और मैंने फोटोशूट किए हैं जैसे एल्बम के लिए और मैंने नाम रखा है खुद का. मैंने एल्बम का मैंने ही नाम रखा है और मैं बस I'll tell you, क्या था इसका एक मम्मी डैडी का सपना था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा कुछ करे और इसमें वो टैलेंट था जो माँ ने और पिता ने देखा कि मेरी बेटी कुछ गुनगुना रही थी एंड दे टॉल उन्होंने सोचा कि क्या क्या गुनगुना रही है. तो धीरे धीरे उसने लिखती गई, वो अपनी ट्यून बनती गई, तो धीरे धीरे वो डेवलप होते गया. जब डेवलप हुआ तो कैसे उसको मीटर में बैठना चाहिए, कैसे मीटर में बैठना चाहिए, तो मीटर में बैठने के लिए देन ये मुझसे सीखती थी. देन मैंने बोला इसको ऐसे, ये सेगमेंट को ऐसे करना है, ऐसे करना है. तो ये ऊपर वाले ने इसको एक रोशनी दी है कि जाओ तुम, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसी के पास क्या है. तो उसने उस चीज़ को प्रेजेंट किया. जब पता चला कि यार मैं खुद बना सकती हूँ, तो धीरे धीरे उसने जब ट्यून बनाना शुरू किया तो इनके जो मम्मी हैं और डैडी हैं मिस्टर मिसेस सिन्हा, उन्होंने बोला कि ये चीज़ क्या हो सकती है. तो जब कंपोज के लिए आई तो वो एक मीटर पे आया, तो वो मीटर छोटी थी तो समझ में नहीं आया. तो धीरे धीरे मैंने उसको ये मीटर ऐसे होगा, ये मीटर, ये गाने के वर्ड्स ऐसे हैं, इसको ऐसे करना है. तो उसने धीरे धीरे उस मीटर को समझा, उस मीटर के बारे में उसको सिखाया गया कि ये मीटर ऐसे होता है एंड ये मीटर में तुमको ये गाना है, ये मीटर में तुम. तो जब उसको समझ में आया कि ये मीटर ऐसे इस वज़न से ऐसे किया, फिर धीरे धीरे वो उसके ऊपर डेवलप करती गई. सो वो डेवलपमेंट करते गए और इसमें वो चीज़ थी कि वो डेवलपमेंट फास्ट होते गया इसके हैबिट में. तो दिस इज़ व्हाट शी डिड. क्या स्पेशल है या इसमें यूजुअली क्या होता है ना कि आप सब लोग बोलते हैं कि एक डीजे स्टाइल में हो, एक यू नो फास्ट नंबर्स हो. इसमें पूरे पांचों जो ट्रैक्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग ट्रैक्स हैं. उसमें एक लव का गाना है, एक कुछ मेलोडीज हमने गाना किया है, एक हार्मोनाइज गाना किया है. तो ये पूरा एल्बम है एक उसका एक सपना था और इस सपने को वॉइस के साथ साथ उसके जो थॉट्स थे वो प्रेजेंट किए गए और थॉट्स को जो इसके दिमाग में थॉट्स आए, जो दो अच्छे राइटर्स हैं हमारे, यू नो जो सॉन्ग राइट किया था, एक संयुक्ता गुप्ता है एंड ऑल्सो नीतू सैनी है, उन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा, नीतू सैनी ने एक गाना लिखा और चार गाने संयुक्ता गुप्ता ने लिखे. तो इसके थॉट को वो समझ के उस गाने को किया और इस गाने में जैसे खोए हूँ तुम जाने जाना, अभी हम लोग सोचते हैं खोए हूँ तुम जाने जाना, तो बहुत सी चीज़ें जाने जाना हम लोग सोचते हैं, एक छोटी बच्ची जाने जाना कैसे बोल सकती है. तो वो उसका थॉट आया कि खोए हो तुम जाने जाना, मेरी नींदों में तुम ना आना. तो एक दोस्त के है कि वो एक दोस्त भी हो सकता है, एक अपने माँ बाप भी हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा सहेली भी हो सकते हैं. तो उसकी उसको याद आती थी अपने दोस्त के लिए कि खोए हो तुम जाने जाना, मेरी नींदों में तुम ना आना, याद ना आना. तो वो बाजू के बेंच में इसकी दोस्त जो साथ में बैठती थी वो बहुत से दिनों में आई नहीं, तो उसने वो एक मीटर लिखा. उस मीटर को राइटर ने थॉट को प्रोसेस किया एंड तो इसके हर थॉट के साथ साथ ये लिरिक्स और कंपोजिशंस बनी हुई है. तो आपको नहीं लगता जो फर्स्ट जो लॉन्च पैड रियलिटी शोज आज एक नेक्स्ट लेवल पे हैं, तो फॉर अ यंग गर्ल लाइक हर दैट शुड हैव बीन, इंस्टेड यू टुक अ चैलेंजिंग रूट ऑफ लॉन्चिंग द एल्बम एंड नॉट टेकिंग दैट. नो, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज़ आई डू ऑल द रियलिटी शोज एंड
रियलिटी शो में आप इंस्टेंट, आपको पूरे दुनिया ने देखा और आपको सब लोगों ने वोट किया, आपने किया, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद वही गाएंगे जो फिल्म में आ रहे हैं, वही गाएं, नए गाने क्या गाएंगे? तो एक नई प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए कि जो अच्छे सिंगर्स हैं उनको अपना एल्बम्स के साथ साथ अपनी वॉइस, अपना कंपोजिशंस को प्रमोट करना चाहिए और आप मीडिया उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोग इन बच्चों को नहीं सपोर्ट करोगे मेरे हिसाब से, तो आई डोंट थिंक सो इन लोग का करियर जो सिंगिंग में है या डांस में है या इंस्ट्रूमेंटल में है, वो कभी निखर के नहीं आएगा। तो रियलिटी शो में डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म रहता है कि आपको बड़ा कैनवस होता है, चैनल्स होते हैं और आपको आराम से आप कर सकते हो, बट ये वाला जो माध्यम है कि आप तक पहुंचना, और आज पूरा मीडिया देख सकता है कि आप खुद की कंपोज किए हुए, खुद के गाने गाए हुए हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि नई कंपोजिशन है, इमीडिएटली किसी को आपको अप्रोच नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे जब आप उसको सुनोगे, आप उसको लाइक करोगे और आप उसको एक साल छः महीने में आप दूसरा एल्बम करोगे, वापस छः महीने में, तो एक आपका बैंक धीरे धीरे बनता है, और बैंक बनते बनते आपको कोई गाना, आज कोई गाना किसी को कोई पसंद आ जाए, आई डोंट नो, कोई पसंद आ जाए किसी को गाना, तो इट कैन गो इन अ मूवी ऑल्सो। और इसमें ऐसे ऐसे ट्रैक है जो इन्होंने बहुत अच्छा गाया है प्रांजलि ने, एंड दैट्स व्हाट इज इट। आगे क्या देखेंगे प्रांजलि? प्रांजलि के लिए आगे, इसने बहुत से रियलिटी शोज़ किए हैं प्रांजलि ने, एंड शी इज़ माई डॉटर ओनली वी कैन से, एंड अब जो आगे इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं ना कि फ्यूचर इसका जो है वो कंपोजिंग में है, क्योंकि लोग गाते बहुत अच्छा है, बच्चे गाते बहुत अच्छा है, पर इसमें गाने के साथ साथ कंपोजिंग का बहुत अच्छा एक हुनर है, तो आगे मेरे हिसाब से ये कंपोज करना चाहेगी, और इसने कंपोज किए हैं, और वो कंपोज करते करते यू नेवर नो कि यू नो बॉलीवुड में कब किसको कुछ अच्छा लग जाए, सो दैट्स व्हाट इज इट। सबसे अच्छे जी, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है, सब सिंगर्स अच्छे हैं मेरे लिए, एंड आई जस्ट लाइक एवरीवन, एंड माय इंस्पिरेशन, माय मेन इंस्पिरेशन इज माय नानी, शी इज नॉट देयर विद मी हियर, बट यस। अपनी जो मेरा खोई हो तुम जाने जाना, खोए हो तुम जाने जाना, देखो जरा तुम मुस्कुराना, खोए हो तुम जाने जाना, देखो जरा तुम मुस्कुराना, मेरी नींदों में नाना, मेरी नींदों में नाना, ख्वाबों में आकर न सताना, खोए हो तुम जाने जाना, देखो जरा तुम मुस्कुराना, खोए हो तुम जाने जाना। थैंक यू। पहले तो मैं प्रांजलि पहले तो मैं प्रांजलि को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत छोटी सी हैं अभी और इतना टैलेंट से भरपूर हैं, सो मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत कम हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक छोटी सी उम्र की, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लड़की एक म्यूज़िक डायरेक्शन में प्लस सिंगर, तो ये उनका पहला एक एल्बम मैं लॉन्च करने आई हूँ, तो मैं उनको बहुत सारी दुआएं और प्रार्थनाएं के साथ
यहाँ पे हूँ। रिसेंटली वी आर सीन यू इन द कपिल शो, इज रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा शो रहा है आपका और कपिल का भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा देखने को मिला। तो कैसा रहा शो और हाउ इज कपिल, मतलब कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो वेट कर रही थी वहाँ जाने की, कुछ मैच कभी किसी वजह से नहीं हो पाता था, तो जिस दिन मैं गई तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था क्योंकि वो मेरी एक बहुत बड़ी विश थी वहाँ जाना। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बी देयर। जैसे ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में पुराने गानों को ट्रिब्यूट करके नया बनाया, जैसे हम्मा हम्मा हो गया, लैला हो लैला हो गया, अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया में तम्मा तम्मा आ रहा है, तो ऐसा कोई पुराना आपका सॉन्ग है जिसको आप ट्रिब्यूट करना चाहें? नहीं, जो कर रहे हैं बस, मैं पहले भी कहती जब एक टाइम था रीमिक्स का दौर था, तो अभी रीमेक कहते हैं, सो मैं कभी भी उसके ख़िलाफ़ नहीं थी, बट मैं इतना चाहती थी कि उसकी मर्यादा ना लांघे, उसकी ओरिजिनलिटी को या उसकी मेलोडी को चोट पहुँचाए बिना कोई अच्छे तरह से, अगर आप अच्छे तरह से प्रोडक्शन बना के कुछ गाने को पेश करते हैं, तो हमारी जो नई यंग जनरेशन है, जो पुराने गाने, मैं बहुत पुराने गानों की बात कर रही हूँ, ये तम्मा या हम्मा की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तो अभी कुछ वक्त पुराने हैं। सो मुझे खुशी है कि अच्छे तरह से अगर कोई भी गाना आता है तो आई एम ऑलवेज़ रेडी टू सिंग, और मैं अपने गाने खुद के ही कर रही हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि मुझे भी 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने ही गानों को, अभी मैंने पीछे एक गाना किया था सैया छोड़ो मोरी भैया, खुद का ही मेरा ज़ुबैदा फिल्म से, अभी मैं एक नया गाना अपना ही खुद का पुराना गाना नए तरीके से लेके आने वाली हूँ। कैसी बेटा? मैं अच्छी हूँ सर। क्या पूछते भाई? ये सबसे गलत आज बच्ची का, इसका बेटे नाम क्या आपका? प्रांजलि। और रेड रिबन कंपनी ने जो हमारे जीतू भाई के हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ तलक भाई की तरफ से भी, हमारी तरफ से बच्ची का ये एल्बम बहुत मशहूर, अल्लाह करे अभी बड़ा लंबा सफ़र है बेटा, लंबा सफ़र है, शुरुआत है। हाँ, और खुदा से दुआ करता हूँ कि इनकी जो कंपनी है वो और इस तरह के गज़ल, सूफी, क्लासिकल, क्योंकि यही लोग हैं जो म्यूज़िक को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, दिल से महसूस करो, आँख से देखा न करो, वाह वाह, वो है खुशबू उसे छूने की तमन्ना ना करो, तो ये खुशबू फैला रहे हैं म्यूज़िक। बेशक, थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस भाई ने कह दिया, हमारे बड़े भाई ने कह दिया, आप और क्या कहोगे? सर अगर आप दो शब्द अगर बच्ची के लिए कह दें, बस मैं दुआ करूँगा बच्ची को कि अभी लंबा सफ़र है, काफ़ी तवील सफ़र है, अभी तो शुरुआत है, और मैं बस ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसे और तौफीक दे और इसको रियाज करवाए और इसको आगे चलते चलते, बहुत लंबा सफ़र है, शुरुआत अच्छी हुई है इस उम्र में, आई विश यू ऑल द बेस्ट। शुरुआत इन्होंने की है तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, एक बड़े कलाकार के हाथों से शुरुआत है, बड़े बड़े कलाकार। ये प्रिविलेज है कि शरद भाई, रिचा, राजकुमार भाई, समीर भाई, ये सब आए हैं, और आज मेरे बड़े भाई, मतलब मैं शरद भाई को अपने पिता की जगह है, वो मेरे, तो इट्स अ प्रिविलेज के वो आज आए। पिता की उम्र का नहीं, पिता की उम्र के नहीं, मेरे बड़े भाई है, सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि वो आज आए और प्रांजलि को आशीर्वाद दे रहे हैं और आज का लॉन्च वो कर रहे हैं, सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू आई थैंक तरत भाई, रिचा, राजकुमार भाई, एन एवरी बड़ी। रिचा कहाँ पर है? रिचा भी है, एक मिनट जस्ट, कौन रिचा? आदाब आदाब जनाब, थैंक यू सो मच सर। रिचा दी के लिए नहीं, मेरा के लिए, समीर भाई के लिए,
थैंक यू। राजकुमार भाई के लिए शिवानी नो। रामशंकर के लिए रामशंकर भाई के लिए रामशंकर भाई नहीं 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 रामशंकर भाई के लिए मैडम नहीं रामशंकर भाई क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं तो रामशंकर भाई बोला मैंने रामशंकर भाई आप खाली पुकड़ मत आप लगाइए I request Talit bhai and Rishadi ji to say a few words.